चलिए बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां सिरसा से एक खबर है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर दिया जीत का मंत्र। बैठक में बड़ी संख्या में एचएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी मौजूद रहे। सिरसा के हिसारिया बाजार स्थित एचएलपी कार्यालय में यह बैठक हुई। पीएम मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसा कहा एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने। सिरसा की सेवा करता रहूंगा, गोपाल कांडा ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एचएलपी धर्म और समाज सेवा में आगे रहती है। एचएलपी का बीजेपी को समर्थन है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने ये तमाम बातें कही। विधायक गोपाल कांडा ने विपक्ष पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। तो बड़ी खबर उस वक्त की सिरसा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएलपी की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस दौरान संबोधित किया और जीत का मंत्र भी दिया। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आज मोदी जी का साथ देना बहुत जरूरी है। ये पार्टी की बात नहीं, ये देश की और धर्म की बात है। इसीलिए उस देश को और धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें गबन के फूल पर निशान पर मोहर लगाकर और बहुत भारी बहुमत से बाबा साहब साईनाथ की नगरी से गबन का फूल पिलाकर मोदी जी की झोली में डालना है। बटन यहाँ से लगाएंगे और कमल का फूल मोदी जी की झोली में डाल के देगा। धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति का एक अलग मेल है और उस मेल के बिना, धर्म के बिना अगर कोई राजनीति करता है तो वो सच्ची राजनीति नहीं कर सकता। हरियाणा लोकहित पार्टी की नीतियां और काम आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, जो नीतियां हैं, कि राजनीति के अंदर धर्म, वैसे ही हरियाणा लोकहित पार्टी का काम है कि समाज सेवा और धर्म को साथ लेकर राजनीति के अंदर आगे बढ़ना। हैदराबाद की जनता ने इतना प्यार आपके छोटे भाई गोविंद को दिया, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। नड्डा जी ने, मोदी जी ने, सबने चर्चा की कि किसान आंदोलन होने के बावजूद 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए। उन्होंने गर्व से इस बात को अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंग में रखा कि हैदराबाद की जनता ने हमें इतने वोट दिए। हरियाणा के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया हैदराबाद की सीट में।